गुड इवनिंग बच्चों, मैं रोहित गर्ग, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट आज रिलेटिव मोशन के ऊपर सेकंड लेक्चर है। कल मैंने आपको रिलेटिव मोशन का बेसिक बताया था, आज हम इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और रिलेटिव मोशन को काफी डीपली एनालाइज करेंगे। तो ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज, इफ अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ लिफ्ट, अगर एक कॉइन को, एक सिक्के को लिफ्ट के अंदर गिराया जाता है और जो लिफ्ट है वो किसी एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, एक्सेलेरेशन कितनी दी है, ए दी है, अब वो ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है और एक कंडीशन है कि ए इज लेस देन जी, व्हाट इज जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो लिफ्ट की एक्सेलेरेशन है वो जी से कम है और हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कि कितनी देर में जो सिक्का है वो जाकर के लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर टच करेगा, लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर जाकर के गिरेगा। तो इसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स के अंदर बच्चों डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, जब जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है तब हमने फाइंड आउट करना है कि सिक्का कितनी देर में जाकर के उसके फ्लोर को हिट करेगा। देखिए बच्चों, ये आपके सामने लिफ्ट है, ठीक, और ये उसका फ्लोर है। अब बच्चों, जो लिफ्ट है वो पुली मैकेनिज्म, बाहर एक मशीन लगी होती है जो लिफ्ट को चला रही होती है, तो उस मैकेनिज्म के बारे में हमने नहीं जानना है। मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। आपने उस लिफ्ट के अंदर एक सिक्का लिया और उस सिक्के को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब बच्चे उसके यू क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। पर जैसे आप किसी भी चीज को हवा के अंदर से गिराते हो तो उसके पास एकमात्र एक्सेलेरेशन होती है, दैट इज जी। तो वो पूछना चाहता है कि सिक्का कितनी देर में आकर के इस फ्लोर को टच करेगा। अगर मान लीजिए बच्चों ये लिफ्ट लुफ्ट कुछ भी ना होता और यहां पे एक सिंपल सा फ्लोर होता और यहां पे एक सिक्का होता और इस सिक्के का जो हाइट है वो कुछ h होता और इसको हमने कर दिया ड्रॉप। अगर इसको ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो जैसे हम किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं और वो h हाइट कवर कर रहा होता है तो बच्चों उसको नीचे गिरने का टाइम होता है t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g। रीजन बीइंग वो नीचे की तरफ आ रहा होता है बच्चों, कितनी एक्सेलेरेशन से, g एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होता है। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे तो सर लिफ्ट के पास भी एक्सेलेरेशन है और सिक्के के पास भी एक्सेलेरेशन है, तो चलिए देखते हैं ये क्या गेम है। यहां पर हमारा क्वाइन, क्वाइन के पास नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है बच्चों जी, ये फ्लोर, और फ्लोर के पास नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है ए। अब अगर मैं कहता हूं कि जो ए है वो जी से बड़ा हो जाए तो बच्चों क्वाइन कभी भी ग्राउंड पे नहीं पहुंचेगा, कभी भी नहीं टच कर पाएगा ग्राउंड को, यानी कि उसके फ्लोर को। तो इसलिए उसने कंडीशन भी बच्चों क्या दे रखी है, बड़ा वो, अब एग्जामिनर तो स्मार्ट है ही, उसने बड़ी ही अच्छी कंडीशन दी है कि ए इज लेस देन जी, जाने कि सिक्के की एक्सेलेरेशन लिफ्ट की एक्सेलेरेशन से ज्यादा है। अब कौन किसको पकड़ रहा है, अब जो सिक्का है वो लिफ्ट के फ्लोर को पकड़ रहा है, तो जो जिसको बच्चों पकड़ रहा होता है ना, जिस, अब मान लो ये पुलिस है, ठीक है, और ये फ्लोर क्या है हमारा, चोर है। तो जो भाग रहा हो, चोर को हमेशा करो रोक दो, चोर को कैसे रोकोगे, यहां पे उतनी ही एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ लगा दोगे। अब बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते कि क्या सर इसके अंदर हम वेलोसिटी को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि लिफ्ट के पास वेलोसिटी भी होगी। बच्चों जो चीज ना गिवन हो ना उसको आपने कंसिडर करना ही नहीं है, आपने हमेशा एक इंस्टेंट पे, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे उसने कंसिडर करना है आपने, और t इज इक्वल टू जीरो पे लिफ्ट की एक्सेलेरेशन a है, सिक्के की एक्सेलेरेशन g है, और दोनों के पास उस टाइम पे, दोनों गेम स्टार्ट हुई है अभी, जस्ट चलना स्टार्ट हुए, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है उस टाइम पे, जीरो। तो आपने दोनों को कंसीडर करना ही नहीं है। तो जैसे बच्चों यहां पे आपने ऊपर की तरफ a लगा दिया तो ये जो फ्लोर है ये रुक चुका है, ये रुक गया, और मैंने आपको बताया था कि उतनी ही एक्सेलेरेशन क्या करें, ऊपर की तरफ दूसरे पे भी चिपका दें, तो यहां पे कितना आ गया, a आ गया। तो इस सिक्के के पास बच्चों नीचे की तरफ नेट एक्सेलेरेशन कितनी बची, g माइनस a, और ये कितनी हाइट पे बच्चों यहां से, ये h हाइट पे बैठा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो बन जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g इफेक्टिव।
अब यहां पे बच्चों जो g इफेक्टिव आएगा दैट इज गोइंग टू बी g माइनस a, तो टाइम इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g माइनस a सेकंड्स। तो कितना इजी है, रिलेटिव से कितना इजी हो गया। तुम अगर दूसरा फंडा लगा सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, पर रिलेटिव से बच्चों ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर बच्चों वो कह रहा है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलेरेशन ए, और अब आप बताइए कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला बच्चों यही है, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। बच्चों इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास सर देखा जाए तो सिक्के के पास एक्सेलेरेशन थी नीचे की तरफ, दैट इज जी। लिफ्ट के पास एक्सेलेरेशन है ऊपर की तरफ, दैट इज जी। ये फ्लोर है हमारा और ये हमारा क्वाइन है, तो किसी को भी रोक दो। तो हम क्या करेंगे, फ्लोर को रोक देंगे। कैसे रोकेंगे, नीचे की तरफ ए एक्सेलेरेशन लगा करके, तो ये रुक चुका है। और उतने ही एक्सेलेरेशन हम क्या करेंगे, जी के ऊपर अटैच कर देंगे, तो नीचे की तरफ ए एक्सेलेरेशन आ जाएगी। तो यहां पे नेट एक्सेलेरेशन बच्चों कितनी आ गई, जी प्लस ए। और ये जो हाइट है दैट इज एच, तो यहां पे जो जी इफेक्टिव आया बच्चों, जी इफेक्टिव कितना आया, जी प्लस ए आया। तो यहां पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g प्लस a। सिर्फ द क्वाइन इज थ्रोन अपवर्ड विद एनी वेलोसिटी देन ऑल्सो टाइम फॉर्मूला विल बी सेम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फॉर्मूला चेंज हो गए, बस उस टाइम पे आपने पूरा का पूरा वर्टिकल मोशन टाइप ट्रीट करना है, पर जो एक्सेलेरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी जी इफेक्टिव, रादर देन जी इट इज गोइंग टू बी जी इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम 5 स्टार देते हैं। अब ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला है कि दो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट कर दिया साइमल्टेनियसली, जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एज शोन इन फिगर। तुमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। किसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, किसी भी एक पार्टिकल की दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे बच्चों हम एक को कह लेते हैं ए और एक को कह लेते हैं बी, और चलिए हम ऐसा करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखना बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप वन, सबसे पहले क्या करो, कौन कौन से पार्टिकल के पास क्या क्या उसने पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपरली लिख लीजिए। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल है तो उसके पास एक तो वेलोसिटी होती है और दूसरा होता है एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो चलिए इनको रिजॉल्व करते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले ए पार्टिकल की। ठीक है, ए के पास बच्चों उसने दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्स एक्सिस के साथ बच्चों बना रहा है कितना एंगल, 37 डिग्री। तो 10 का एक कंपोनेंट तो आएगा बच्चों 10 cos 37, और एक कंपोनेंट आएगा 10 sin 37। और नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ इसके पास एक्सेलेरेशन आएगी, दैट इज जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा बी की। बी के पास बच्चों उसने दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल बच्चों कितना दे रखा है, 53 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टली उसका कंपोनेंट आएगा 20 cos 53 डिग्री, और वर्टिकल के साथ आएगा 20 sin 53 डिग्री। और नीचे की तरफ उसके पास एक एक्सेलेरेशन आएगी, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि साइन 37 इज इक्वल टू cos 53 इज इक्वल टू 3/5, और साइन 53 इज इक्वल टू cos 37
इज इक्वल टू 4/5। अब साइन 53 की बात करता हूं, व्हाट इज साइन 53? 4/5, तो 20 इंटू 4/5 इट इज कमिंग आउट टू बी 16 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं 20 कॉस 53 की बात करता हूं तो बच्चों इट इज कमिंग आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। 10 cos 37 बच्चों आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, और 10 sin 37 बच्चों मेरे पास आएगा कितना? Sin 37 is how much? 3/5, so it is going to be 6 meter per second. तो चलिए अब इसको फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास सर, हमारे पास क्या क्या आ चुका है कि A के पास ऊपर 6 meter per second, right side पे 8 meter per second, और इसके पास नीचे की तरफ acceleration है बच्चों कितनी? 10 meter per second square. B की बात करूं, this is A. B की बात करते हैं बच्चों, B के पास ऊपर की तरफ उसका वैल्यू आ रहा था, कितना आया था? That is 20 sin 53, that is 16 meter per second, और towards left आया था बच्चों हमारे पास 12 meter per second, और नीचे की तरफ था 10 meter per second square. अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं B with respect to A. तो किसको देखा जा रहा है? B को देखा जा रहा है. कौन देख रहा है? A देख रहा है. तो किसको रोकना होता है बच्चों? जो देख रहा होता है उसको रोक दो. तो देखिए कैसे रोकते हैं हम. वेलोसिटी में से वेलोसिटी को ऑपोजिट वेक्टर लगा दिए. ऊपर 6 है तो बच्चे नीचे आएगा 6 मीटर पर सेकंड. राइट साइड पे 8 है तो लेफ्ट साइड पे कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकंड. तो ठीक है, ए रुक चुका है. तो वही सेम वेक्टर हम किसके ऊपर लगा देंगे बच्चों? हम बी के ऊपर लगा देंगे. तो देखिए इस तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा बच्चों यहां पे 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो बच्चों आएगा यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड. अब बच्चों यहां पे एक्सेलेशन भी है, तो यहां पे ऊपर की तरफ चिपका दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी खत्म. और यहां पे भी ऊपर की तरफ आपको कितना चिपकाना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी खत्म. बच्चों यहां पे आप एक चीज देखिए कि यहां पे जो रिलेटिव एक्सेलेशन है वो क्या हो रही है? जीरो हो रही है. तो यहां पे मैं एक छोटा सा नोट बनाना चाहूंगा, आप नोट सुनना यहां पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है नोट. ये नोट क्या कहता है? इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन, जो मैंने कल बताया था, एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल मोशन की भी बात करूंगा और प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात करूंगा. जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगी बच्चों इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन एज वेल एज रिलेटिव मोशन, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी जीरो. तो जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होती है बच्चों ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या होती है? जीरो होती है. तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव में कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेंगे, ये ध्यान रखना. किस किस के अंदर? वर्टिकल मोशन के अंदर और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के अंदर. अब चलिए बच्चों हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं. अब यहां पे देखा जाए 12 और 8 एक डायरेक्शन में, तो यहां पे आ गया बच्चों कितना? 20 मीटर पर सेकेंड. और 6 एंड 16 ऑपोजिट में, तो यहां पे माइनस होकर के कितना बचेगा? 10. तो हमारे पास सिचुएशन क्या रहेगी बच्चों? सिचुएशन बड़ी सिंपल सी हो चुकी है कि ए है, ये रुक गया है, ये रेस्ट पे आ गया है, और जो बी है, बी के पास बच्चों ऊपर की तरफ बचा 10 मीटर पर सेकेंड और टुवर्ड्स लेफ्ट बचा 20 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखूं बच्चों, एक्स माइनस एक्स, नीचे की तरफ माइनस वाई और ऊपर वाई, तो जो 20 मीटर पर सेकंड है वो माइनस एक्स की तरफ है और जो 10 मीटर पर सेकंड है वो प्लस वाई की तरफ है. तो जाने कि अगर बी के पास ए के रिस्पेक्ट में, बी के पास ए के रिस्पेक्ट में अलोंग वाई एक्सिस 10 मीटर पर सेकंड है और अलोंग माइनस एक्स एक्सिस 20 मीटर पर सेकंड है, तो बी के बच्चों दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे. एक चेंज हो रहा होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक चेंज हो रहा होगा वाई कोऑर्डिनेट. अब यहां पे जो एक्सेलेरेशन है बच्चों वो जीरो है, तो ये कोऑर्डिनेट्स के जो मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं हो रहा होगा. और हमें पता है कि जब भी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखनी होती है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम.
तो देखते हैं, लिखते हैं बच्चों x as a function of time, it is going to be minus 20 into t. Minus 20 क्यों? क्योंकि बच्चों ये minus x axis की तरफ जा रहा है. और हम लिखते हैं y as a function of time, क्योंकि यहाँ पे acceleration नहीं है, तो simple आपने लिखना है distance is equal to speed into time, तो it is going to be 10t. अब positive क्यों? क्योंकि ये जा रहा है positive y axis की तरफ. फिर यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? हम t को eliminate करेंगे. t को eliminate करते हैं, देखिए कैसे करेंगे. तो बच्चों यहाँ पे मैं t को लिख सकता हूँ कि t is equal to minus of x by 20 और इसकी वैल्यू y में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y is equal to 10 into minus x by 20, तो it is coming out to y is equal to minus of x by 2. तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की. ये किस चीज की इक्वेशन है बच्चों? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो सर मैं क्या कहना चाहता हूं, इस चीज से हमने क्या सीखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी प्रोजेक्ट किया और दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहे होंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के रिस्पेक्ट में बैठ करके देखूं और दोनों फॉलो कर रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चों, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे होंगे. तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. और इस चीज को बच्चों ध्यान में रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज से सॉल्व होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा. ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन देखना, इस फंडा की, इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा बच्चों, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ऐसे ए को दिखाई देगा, ऐसे ये बी पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता हुआ. ठीक है, चलो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग मुझे लॉजिक से सॉल्व करके बताएं. ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूं, पेंटिंग पे मत जाना. ठीक है, एक बंदर है वो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है. हाँ, ये बंदर है जो बिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है, ये मेरा बंदर है. ठीक है, और ये पेड़ पे लटका हुआ है और एक शिकारी बंदूक लेके आता है कि आज बंदर उड़ाएंगे, पेटा वालों के हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, वो मेरे पे भी केस डालेंगे और इस हंटर पे भी. ठीक है, अब ये भाई साहब इसको उड़ाना चाहते हैं, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, बंदर की तरफ ऐसे एम कर लिया. बंदर ने हंटर देखा, हंटर ने बंदर देखा और गोली चला दी. अब जैसी गोली चली, बंदर ने हाथ छोड़ दिया, पेड़ से हाथ छोड़ दिया. अब बंदर किस तरफ आ रहा है? नीचे. यहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब एयर नहीं है, पर एक चीज है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अच्छा, एक बच्चे बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर वहां पे जी कैसे होगी, वो तो वैक्यूम है. अरे बच्चों, ग्रेविटी फ्री स्पेस होती है जहां पे जी नहीं होती है, वैक्यूम के अंदर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकती है. वैक्यूम मतलब नो एटमोस्फियर, नो एयर. ठीक है, वैक्यूम इसलिए ताकि कोई रेजिस्टिव फोर्सेस ना आए. अगर बाय चांस किसी का दिमाग चल जाता है कि सर रेजिस्टिव फोर्सेस वगैरह होंगी, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने दिया. तो क्वेश्चन है, हंटर ने गोली चला दी, बंदर ने तुरंत हाथ छोड़ दिए, तो बताइए बंदर मरेगा या फिर नहीं मरेगा? कमेंट वेदर द मंकी विल डाई और नॉट. तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. अ मंकी वॉज हैंगिंग ऑन अ ट्री. मंकी लटक रहा था कहां से? बंदर लटक रहा था पेड़ से. और एक हंटर क्या करता है? डायरेक्टली एम करता है बंदर की तरफ और बुलेट को फायर कर देता है. एंड अ हंटर डायरेक्टली एम्स एट द मंकी एंड फायर्स द बुलेट. एज सून एज द हंटर फायर्ड द बुलेट, जैसे ही हंटर जो है वो बुलेट को फायर कर देता है, मंकी लीव्स द ट्री, हाथ छोड़ देता है. कमेंट वेदर द मंकी विल डाई और नॉट. हां जी बच्चों, तो आपके पास मैं 2 मिनट दे रहा हूं, यू हैव टू जस्ट राइट यस और नो. ठीक है, रीजन लिख सकते हो अभिनंदन, रीजन लिख सकते हो.
ठीक है, तुमने आंसर लिखा है दैट द बुलेट विल ट्रेवल प्रोजेक्टाइल पाथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू मंकी। परफेक्ट परफेक्ट अभिनंदन, जब मंकी देखेगा तो बुलेट स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगी और जब ग्राउंड से देखा जाएगा तो बुलेट जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रही होगी। परफेक्ट, नाइस यार, नाइस। श्रीहर्ष, ठीक है अभी देखते हैं बच्चों, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो सुनना बच्चों कैसे इसको सॉल्व करना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूं इसको दो पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट कर लेता हूं, दो पार्ट्स के अंदर बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू मंकी। अब ये हमारा मंकी था और इसके सामने, इसके बिल्कुल ऐसे एम करती हुई यहां पे उसने गोली चलाई। बच्चों ये हमारी बुलेट है, मान लीजिए बुलेट की स्पीड कुछ यू है, गन से निकली है कुछ तो स्पीड होगी। अब मंकी के पास बच्चों एक ही चीज है क्योंकि उसने जस्ट ड्रॉप किया, मतलब ये ड्रॉप्ड वाली कंडीशन है कि मंकी की स्पीड क्या खुद की जीरो क्योंकि उसने हाथ जस्ट छोड़े। पर मंकी के पास नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है कितनी, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों बुलेट पे भी ग्रेविटी लगेगी, क्यों, क्योंकि बुलेट के पास मास है। तो यहां पे इसके पास भी नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन कितनी है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं ऐसे करता हूं मंकी को रोक देता हूं कि भैया बंदर तू रुक जा। कैसे रोकेंगे, ऊपर की तरफ जी लगा करके, ऊपर की तरफ जी लगाया और ये बंदर रुक गया। ठीक है, बिल्कुल सही अभिनंदन, जिस पॉइंट पे वो एम करेगा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ही गोली लगेगी। तो चलिए अभी मैं बता रहा हूं कैसे लगेगी। तो बंदर रुक चुका है तो यहां पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेशन के अंदर एडजस्टमेंट हो रही है, तो यहां पे भी बुलेट के अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ कहां पे एडजस्टमेंट करेंगे, एक्सेलेरेशन के अंदर। कितनी आ जाएगी, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया बुलेट के भी एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो। तो मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पे विद रिस्पेक्ट टू मंकी, विद रिस्पेक्ट टू मंकी रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ बुलेट, बुलेट की रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, विल बी जीरो। अब जैसी रिलेटिव एक्सेलेरेशन हुई बच्चों जीरो, तो बुलेट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन। बुलेट पाथ फॉलो करेगी स्ट्रेट लाइन और जहां पे भी बच्चों एम होगा ये बुलेट जाएगी और जाकर के मंकी को हिट करेगी एंड मंकी विल डाई। कितने पापी लोग हैं, मंकी बेचारा मार दिया। अब बच्चों हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो था मंकी के रिस्पेक्ट में। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना बच्चों, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने बुलेट यहां से शूट की और आपको पता है यहां पे बच्चों के मंकी जैसी आप यहां पे छोड़ दोगे तो मंकी के पास नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है जी, तो मंकी ऐसे बच्चों नीचे आ रहा होगा, मंकी ऐसे नीचे आ रहा है और बुलेट के पास भी ऐसे देखिए एक्सेलेरेशन है जी, तो बुलेट जाएगी, बुलेट प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी। मंकी कौन सा मोशन कर रहा है, वर्टिकल फ्री फॉल यानी कि वर्टिकल मोशन। और जो बुलेट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलेरेशन तो लगी रही है, तो जाएगी जाएगी और मंकी को, क्योंकि हर जगह पे बच्चों उसके पास एक्सेलेरेशन कितनी नीचे की तरफ जी, तो यहां पे जाकर के मंकी को हिट कर देगी। तो ये कहां का सिनेरियो बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और जो ऊपर आपको बताया दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मंकी।
तो इतनी सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। और ये किस चीज की एप्लीकेशन है कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल किसके ऊपर चलता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता है। तो इसी कारण आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स आर फायर्ड एज शोन इन फिगर। जैसे कि आपके सामने पिक्चर बनी हुई है कि दो पार्टिकल्स को फायर किया जा रहा है, फिगर के अंदर देखिए आप। If they are colliding after 2 seconds, अगर वो 2 सेकंड बाद एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो आपने फाइंड आउट करना है थीटा। व्हाट इज थीटा? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड डी, कि उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है। और यहां पे बच्चों आपको जी दे रखा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अटेम्प्ट करना चाहोगे या फिर मैं करवाऊंगा? ठीक है बच्चों, तो आपको मैं 2 मिनट देता हूं, 3 मिनट देता हूं इनफैक्ट, ट्राई कीजिए। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनना यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मेथड 1 की। मेथड 1 की बात करता हूं बच्चों मैं यहां पर। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको रिजोल्व करते हैं। थीटा 45 डिग्री आ रहा है, चलिए देखते हैं देखते हैं। अब ऊपर की तरफ बच्चों इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए ये बी है, और ए की बात करते हैं बच्चों, तो जिस तरफ थीटा है दैट इज गोइंग टू बी 20 cos थीटा, क्योंकि आप इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है बच्चों, 20 दे रखी है। तो जिस तरफ थीटा उस तरफ आएगा 20 cos थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा 20 sin थीटा। अब ऐसा करते हैं, एक को रोक देते हैं, और अच्छा ए के पास एक्सेलेरेशन भी होगी नीचे की तरफ कितनी बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी एक को रोक देते हैं, दूसरे को जाकर के वहां पर टकरा देते हैं, तो कोलिजन हो जाएगी। तो चलिए बी को रोकते हैं। बी को कैसे रोकेंगे, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा करके तो रुक गया, और नीचे की तरफ वेलोसिटी लगा करके। तो वेलोसिटी में से बच्चों हमेशा वेलोसिटी घटेगी, और एक्सेलेरेशन में से एक्सेलेरेशन। तो सेम एडजस्टमेंट आप क्या करोगे, किसके साथ करोगे, ए के साथ। तो यहां पे नीचे 10 लगाया, तो ए के साथ नीचे कितना लग जाएगा बच्चों, 10। और अगर ऊपर यहां पे कितना लगाया आपने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे भी ऊपर कितना लग जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ए भी यहां पर एक्सेलेरेशन होगी 0। अब बच्चों सोच करके देखो, अगर इसने बी को टकराना है तो ए को एग्जैक्टली सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, या फिर ऐसे ये नीचे से निकल जाएगा। तो ये ऊपर वाली चीज को अवॉइड करने के लिए, या फिर नीचे वाली चीज को अवॉइड करने के लिए, मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ए की कंडीशन के अंदर 0 होगा अगर 20 sin थीटा किसके इक्वल हो जाए बच्चों, 10 के इक्वल हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा पार्ट बच्चे समझ नहीं आया, ए पार्ट? मैं चलिए फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने क्या बोला यहां पे कि ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे मैं इस बी को, ये बी है, ये ए है, ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, और इसके पास एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रोक देता हूं। कैसे रोकूंगा, ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा करके और नीचे 10 मीटर पर सेकंड लगा करके। तो मैंने बी को रोक दिया। अब ए क्या आएंगे बच्चों, 2 कॉम्पोनेंट, टूवर्ड्स राइट आएगा 20 cos थीटा, और ऊपर आएगा 20 sin थीटा, और इसके पास नीचे की तरफ एक एक्सेलेरेशन होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रोक रहा हूं, वर्टिकल 0 क्यों होगा अभिनंदन, क्योंकि अगर सोचो, अगर मान लीजिए यहां पे इस तरफ तो आ गया मान लीजिए 20 cos थीटा, बी बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, अगर
ए ने जाकर के बी पे टकराना है तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो हमेशा बी की तरफ होनी चाहिए। और अगर वर्टिकली कुछ कंपोनेंट एग्जिस्ट कर गया, मान लीजिए ऊपर की तरफ कंपोनेंट एग्जिस्ट कर जाता है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चे वो इस तरफ आएगा और ये फिर इस रास्ते के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो कौन डिसाइड करता है बच्चे? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो पार्टिकल ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ होनी चाहिए, तभी जाकर के उसको पकड़ पाएगा, नहीं तो वो हमेशा से ऊपर या फिर नीचे से निकल जाएगा। इससे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ना ही तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना ही वो नीचे की तरफ, यानी कि वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब समझ आया अभिनंदन? हाँ, बी को रोक दिया है, बी रोक दिया है, तभी तो ये रुक गया ना, ये रेस्ट पे आ चुका है, बी रुक गया तभी ऐसा हुआ। ठीक है, चले आगे। अब बच्चों आपके पास सिचुएशन क्या रहेगी? आपका सिचुएशन बिल्कुल सिंपल सी रहेगी थी कि वर्टिकल कंपोनेंट तो ए का हो चुका था जीरो और हॉरिजॉन्टल आया था 20 कॉस 30, क्योंकि थीटा अभी हमने फाइंड आउट किया कितना, कॉस 30 आया, और जो बी है वो यहां पे रुका हुआ है और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डी, और उसने बोला है कि कितनी देर में कोलिजन हो रही है बच्चों? 2 सेकंड के अंदर जाकर के कोलिजन हो रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज डी, टाइम टेकन इज 2 एंड स्पीड इज 20 cos 13, that is root of 3/2. तो यहाँ पे बच्चों 10, तो d का वैल्यू आ रहा है 40 root 3 meters. ये तो था बच्चों method 1. अब मैं बात करूंगा method 2 की, देखना वो काफी इजी है। अब बच्चों हमें, मैंने अभी अभी हमने बंदर वाले केस के अंदर देखा कि ये जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये बच्चों कैसे चल रहे होंगे, ये वर्टिकल सॉरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे होंगे। यानी कि अगर मैं ऐसे इनको रख देता हूं तो जो B होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएगा, और अगर जो A होगा ये यहां पे थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगा। देखिए तो कहीं यहां पे जाकर के ये क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब इसकी ऊपर की तरफ बच्चों स्पीड कितनी दे रखी है? 10t, और इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी दे रखी है? सॉरी टी नहीं, 10, और इसकी इस तरफ कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 20 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच की दूरी है ये d। अब बच्चों आप खुद सोच करके देखो, अगर किसी चीज ने टकराना है तो वो दोनों सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे पहुंचने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए a थोड़ा सा लेट हो गया, दिस इज a, दिस इज b, a इस c पॉइंट पे पहुंचने के लिए लेट हो गया, तो अगर वो लेट हो गया तो जो बी है वो पहले निकल जाएगा और ए देरी से आएगा। मेरी बात समझे? तो अगर इन्होंने कोलाइड करना है बच्चों तो दोनों सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे पहुंचने चाहिए। अब अगर मान लीजिए ये जो ए है उसने दिया हुआ है कि कितने सेकंड में जाकर के कोलाइड कर रहा है बच्चों? 2 सेकंड के अंदर। तो यानी कि 20 × 2 इट इज कमिंग आउट टू बी 40 meters, और 2 सेकंड में अगर ये भी कोलाइड कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? 10, तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20 meters, और ये आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये 90 डिग्री है, और यहां पे मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 10/20, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और देखिए आपने डी फाइंड आउट करना है, अब जब थीटा आ गया 30 डिग्री तो आप कहीं से फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहां पे लेट्स सपोज टेन थीटा यूज कर लीजिए यहां पे, जैसे कि 10/30 इज इक्वल टू 20/d, राइट? तो यहां पे d का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? d इज इक्वल टू 20√3 meters। आंसर में कहां पे गड़बड़ाई, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की गई? लेट मी चेक, ऊपर ये d बाय 2 क्यों आया? ये d बाय 2 तो है ही नहीं बच्चों यहां पे। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज cos 30 एंड cos 30 इज, अच्छा सॉरी, यहां पे 20 आएगा, यहां पे हमने 20 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। परफेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये दोनों समझ आए होंगे। चलिए बच्चों आपको एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाता हूं रिलेटिव के ऊपर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज भी यूज होती है। अब सुनना बच्चों ये क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ये रियल लाइफ का सिचुएशन है, ये क्रॉस रोड्स है और ये आपका राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट मतलब जिसके अबाउट ऐसे गाड़ी घूम करके जाती है। अब दो गाड़ियां बढ़ रही हैं एक दूसरे की तरफ, ये इस तरफ चल रहा है कितने से?
10 मीटर पर सेकंड से और ये ऊपर की तरफ चल रहा है 10 रूट 3 से। राउंड अबाउट से ए का डिस्टेंस है 5 मीटर और राउंड अबाउट से बी का डिस्टेंस है बच्चों 5 बाय रूट 3 मीटर। तो वो पूछना चाहता है कि ये दोनों गाड़ियां मैक्सिमम कितना एक दूसरे के पास से गुजर सकती हैं। देखिए ये गाड़ी ऐसे जा रही होगी, देखिए ऐसे जाएगी और फिर ये गाड़ी इस तरफ जाना शुरू हो जाएगी और ये गाड़ी ऐसे आएगी और ये गाड़ी ऐसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना पॉसिबल रह सकता है, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे फिर से इनका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक ही ट्रिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल से, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये डिस्टेंस बच्चों आपको दे रखा है 5 और ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 बाय रूट 3 और मैं लेट्स सपोज इस एंगल को कह रहा हूं थीटा। अगर बच्चों मुझे थीटा कैलकुलेट करना हो तो टेन थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 5 बाय रूट 3 अपॉन बेस दैट इज 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय रूट 3। तो बच्चों थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 30 डिग्री आ चुका है। अब क्या करो, एक को रोक दो, किसी भी एक को रोक दो, चलिए बी को रोक देते हैं, बी को रोकते हैं। इसको कैसे रोकोगे, अगर ये ऊपर की तरफ 10 बाय रूट 3 है तो यहां पे नीचे की तरफ कितना लगा दो बच्चों, 10 रूट 3, नॉट बाय रूट 3, इट इज इनटू रूट 3। तो ये चीज बच्चों रुक गई, उतने ही क्या करो ए पे चिपका दो, तो ए पे किस तरफ चिपकाओगे, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ चिपकाओगे, तो इट इज गोइंग टू बी 10 रूट 3। अब मैं इस प्रॉब्लम को फिर से लिख रहा हूं यहां पे बच्चों। अब हो क्या गया, यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसे बन चुकी है कि जो गाड़ियां थी वो ऐसे ट्राइंगल के ऊपर है, ठीक है, ये डिस्टेंस उसने दे रखा था बच्चों 5 बाय रूट 3, ये डिस्टेंस उसने दे रखा था बच्चों 5 और यहां पे थी बी और इस पॉइंट पे है ए। अब बात करते हैं ए की, क्योंकि बी तो रुक चुका है बच्चों, बी आ चुका है रेस्ट पे, परफेक्ट अभिनंदन, बिल्कुल सही। थीटा कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री होगा। मैं बताता हूं बच्चों कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा, ये तो है 30, अभी हमने देखा। अब ए के पास बच्चों टुवर्ड्स राइट जो है वेलोसिटी दैट इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे की तरफ बच्चों इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज हाउ मच, 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड। अब चलिए इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया बच्चों, तो यहां पे इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कुछ इस तरफ आ रहा है। अब देखते हैं ये कितना एंगल बना रहा होगा, लेट्स पुट दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स पुट दिस एंगल इज अल्फा। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है बच्चों, 10 रूट 3 और बेस कितना है 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, इट इज कमिंग आउट टू बी रूट 3, तो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। अब ये क्या सिचुएशन बन गई, ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये हॉरिजॉन्टल, अब देखना बच्चों यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट स्टेप है कि ये हमारा ट्रायंगल था, दिस एंगल वाज 30 डिग्री, गाड़ी यहां पे, अच्छा ये डिस्टेंस था कितना 5 और ये डिस्टेंस बच्चों कितना था 5 बाय रूट 3 मीटर्स, और जो गाड़ी की नेट स्पीड आई है कौन सी, ए की, ए की जो बच्चों नेट स्पीड आई है वो आई है इस तरफ और हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों कितना एंगल बना रही है वो 60 डिग्री। तो बच्चों देखिए गाड़ी यहां पे ए थी तो यहां पे बी है, तो ए किस तरफ जाएगा, जिस तरफ उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये जो ग्रीन आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, सिंपल वेक्टर यूज किया और कुछ भी यूज नहीं किया। तो जो ए होगी वो इस डॉटेड पाथ के ऊपर ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, देखिए इस तरफ ऐसे पास कर जाएगी। अब बी से डिस्टेंस देखते हैं बच्चों, मान लीजिए कुछ पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, अब 1 से 1 टू बी का डिस्टेंस, सेकंड पोजीशन से बी का डिस्टेंस, थर्ड पोजीशन से बी का डिस्टेंस, फोर्थ पोजीशन से बी का डिस्टेंस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस जो यहां पे परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली,
ये डिस्टेंस क्या होगा लीस्ट, और इसी डिस्टेंस को, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है बच्चों क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सर, वो तो बड़ा इजी है। अब तो बच्चों बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री बची। ये एंगल था 30, ये एंगल था 60, तो बच्चों ये आपके पास कितना एंगल आया, दैट इज 30 डिग्री। अब मैं एक ट्राइंगल शेड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर ट्राइंगल शेड कर रहा हूं, देखिए ये ट्राइंगल, ये रेड वाला, इस ट्राइंगल का ये जो लीस्ट डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और देखिए बच्चों ये जो डॉटेड है, ब्लू डॉटेड लाइन, मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, दूसरे ट्रायंगल से, ये 5 दिया, ये 5 बाय रूट 3 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ये, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बच्चों, 25 प्लस 25 बाय 3 का रूट, तो इट इज कमिंग आउट रूट ऑफ 100 बाय 3, तो यानी कि कितना आया 10 बाय रूट 3। और हमें लीस्ट डिस्टेंस चाहिए बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 10 रूट 3 इज इक्वल टू साइन 30, तो पी इज कमिंग आउट बच्चों 5 बाय रूट 3 मीटर्स, क्योंकि साइन 30 इज 1 बाय 2। सर एक बार एंगल 30 एंड एक बार एंगल 60 क्यों आया, सर ये पार्ट में मैं विचलित हो गया है। अच्छा सुनना भैया, एक पार्ट में 30 क्यों आया और एक में 60 क्यों आया। अब ये जो बच्चों 30 किस चीज का है, कि मान लीजिए गाड़ी यहां पे थी, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी यहां पे थी, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो एंगल आया 30। मान लीजिए एक एक यहां पे ऐसे पेन है और एक पेन यहां पे ऐसे ऐसे, तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन का बीच का एंगल आया 30 हॉरिजॉन्टल के साथ। अब जरूरी थोड़ी है कि ये जो पार्टिकल इसी लाइन की तरफ, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही थी किसी और डायरेक्शन में, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आया था 60। तो अगर इसकी वेलोसिटी उसी लाइन के अलोंग आ जाती जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या कर जाते, कोलाइड कर जाते। अब देखिए यहां पे मान लीजिए दोनों एक सामने दूसरे के, पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो यहां से गुजर गया, देखिए स्ट्राइक इन कर रहा है, पर अगर इसकी वेलोसिटी इन दोनों की जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग हो जाए, देखिए तो ये आकर के क्या कर गए, कोलाइड कर गए। इसलिए ऐसा हो रहा है, ये जो 30 वाली है लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये जो 30 वाले एंगल बना रही है, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, और ये जो 60 वाली लाइन है ये किसकी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की है। किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी की तरफ। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी की लाइन और लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल सेम हो जाती है तो कोलिजन हो जाती है, अगर वो सेम नहीं होती है तो पार्टिकल कहीं से उसके आसपास से पास कर जाएगा। अभिनंदन, अब समझ आया। हाँ जी अभिनंदन, कोई बात नहीं, एक बार इस वीडियो को जैसे ये वापस जाएगी इसके ऊपर एक बार फिर से इसको देखना, इसके फिर से रिवाइज करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी पहली दफा आ रहा है तो हो सकता है मे भी आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सुनना बच्चों, ये कंसेप्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप इसको फील भी कर पा रहे हो। मान लीजिए एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये आदमी है, ये आदमी इस बस को देख रहा है, बस जा रही है टुवर्ड्स राइट 100 मीटर पर सेकंड से, और मंकी जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट 2 मीटर पर सेकंड से। तो सोच करके बताना, इस आदमी के हिसाब से ये जो मंकी है ये किस तरफ जा रहा होगा और कितनी स्पीड से, टुवर्ड्स राइट जा रहा होगा या टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा होगा, और साथ में इसकी स्पीड भी बताएं।
बिल्कुल सही। अब देखिए ये जो गाड़ी है वो टूवर्ड्स राइट जा रही है कितने से, 100 से, और मंकी जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट कितने से, 2 से। तो अल्टीमेटली जा तो ये किस तरफ रहा होगा, जिस तरफ गाड़ी लेकर के जाएगी, और कितने जाएगी, 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड, और वो किस तरफ, टूवर्ड्स राइट। अब आ जाइए केस सेकंड के ऊपर, गाड़ी जा रही है टूवर्ड्स राइट 100 मीटर पर सेकंड से, मंकी उसके ऊपर भाग रहा है टूवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए ये मंकी किस तरफ जा रहा है और कितनी स्पीड से। बिल्कुल सही, तो ये मंकी था, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102 मीटर पर सेकंड। ये बच्चों आप लोगों ने फील्ड बेस्ड आंसर बता दिए। अब मैं इस चीज को क्या करने वाला हूं, बिल्कुल मैथमेटिकली बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इसका मैथ्स क्या है। अब बच्चों मैंने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कौन कौन है, एक ग्राउंड है, एक मूविंग फ्रेम होगा, जैसे कि यहां पे मूविंग फ्रेम कौन है, बस, और एक होगा ऑब्जेक्ट, और यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है, मंकी। तो यहां पे मैंने आपको वेक्टर्स दिखाए हुए हैं, यहां पे मैंने आपको वेक्टर्स दिखाए हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से वेक्टर्स हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा वी ओ एम एफ, यानी कि दैट वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। वी एम एफ जी यानी कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कौन सा है, ये नीचे वाला वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला वेक्टर कौन सा है बच्चों, ये वाला वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, और ये जो लास्ट है, दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं देखूं बच्चों वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन से, तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो वेक्टर है, ये इन दोनों का क्या दिखाई दे रहा है, रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हमेशा यहां पे जो कंसेप्ट आता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मूविंग फ्रेम कौन सा है बच्चों, बस है, और ऑब्जेक्ट कौन है, मंकी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to ground, velocity of monkey with respect to ground is equal to velocity of monkey with respect to bus, क्योंकि bus कौन है, moving frame है, monkey कौन है, object है, plus velocity of bus with respect to ground। तो आपने हमेशा ये जो figure है बच्चों, ये वाली figure जो बनी हुई है यहाँ पे, इस figure को दिमाग में रखना है, ground, moving frame, object, तीनों के बीच में क्या बन रहा होगा, एक triangle बन रहा होगा, मंकी ऑब्जेक्ट की मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मूविंग फ्रेम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, और उन दोनों का समेशन होगा, बस। अब केस वन को डिस्कस करते हैं बच्चों यहां पे, जो केस वन था, केस वन क्या था यहां पे, केस वन के अंदर बस जा रही थी बच्चों आगे कितने से, 100 मीटर पर सेकेंड से, मंकी जा रहा था पीछे कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो व्हाट इज वेलोसिटी, अच्छा अब मंकी किसके ऊपर चल रहा है, बस के ऊपर चल रहा है, तो ये मंकी की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, बस के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बस, दैट इज इक्वल टू -2 आई कैप मीटर पर सेकंड, अगर मैं इस तरफ एक्स और माइनस एक्स ले लेता हूं। तो अब बस जा रही है बच्चों आगे किसके रिस्पेक्ट में, बस किसके ऊपर चल रही है, सड़क के ऊपर चल रही है, रोड के ऊपर चल रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि ये किस तरफ चल रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव आई कैप। नहीं अभिनंदन, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम कैसे रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप इस फिगर के अंदर चलते हैं। अभी देखो यहां पर ट्राइंगल देखो, बस चल रही है सड़क पे, मंकी चल रहा है किसके ऊपर, बस के ऊपर, हमने फाइंड आउट करना है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिजल्टेंट नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहां पे आप ट्रायंगल लॉ को देख लीजिए, ट्रायंगल इस तरफ ऐसे कंप्लीट हो रहा है,
तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने। आप इसको ऐसे मत सोचो कि हो सकता है कोई इशू नहीं है, पर अगर आप यहां पे देखोगे, अब आपने फील बेस देखो ना, आपने फील बेस सीधा आंसर दिया है, अल्टीमेटली इन दोनों का रिजल्टेंट कौन निकल कर गया है 98। अब आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि अब आप इसको कैसे प्रोजेक्ट करोगे कि आदमी है और आदमी चल रहा है 98, आदमी को दिखाई दे रहा है मंकी 98 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट जाता हुआ, और मंकी बस के रिस्पेक्ट में चल रहा है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए बस किस तरफ जा रही है। तो आप इसको लिखोगे तो यही ना कि 98 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप अल्टीमेटली 98 को ही लेफ्ट साइड पे रख करके बैठे हो, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे कि एक्स इज इक्वल टू 100। तो आप हमेशा क्या करना, एक ही चीज को डिसाइड करके चलो, एक ही चीज को फैक्टर मान करके चलो, और वो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आप किसको मानो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को मानो। ठीक है, तो जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं तो यहां पे देखना बच्चों, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस 100 आई कैप, इट इज कमिंग आउट टू बी 98 मीटर पर सेकेंड एंड प्लस आई कैप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक कंसेप्ट था। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में रेन मैन एंड रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ हमारा रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो दैट इज इट बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।